इंदौर कमिश्नर आकाश त्रिपाठी एवं खरगोन रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक MS वर्मा, बड़वानी कलेक्टर अमित तोमर ने बड़वानी जिले में सरदार सरोवर के बैक वाटर से डूब प्रभावित ग्राम कुकरा बीजासन का दौरा कर ग्रामवासियों से चर्चा की और जानकारी प्राप्त की। इस दौरान अधिकारियों ने ग्रामवासियों को बताया कि नर्मदा नदी में सतत जल स्तर बढ़ रहा है, इसलिए वे समय रहते डूब क्षेत्र के बाहर बने हुए अपने घरों में या NVDA द्वारा बनाए गए अस्थायी टीन शेडों में चले जाएं। इन ग्रामों के निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने मौके पर उपस्थित NVDA के पदाधिकारियों से भी डूब प्रभावितों के पुनर्वास संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने डूब प्रभावितों के लिए बनाए गए पुनर्वास स्थलों एवं अस्थायी टीन शेडों में उपलब्ध सुविधाओं की भी जानकारियों से ग्रामवासियों को अवगत कराया। कमिश्नर को नर्मदा बचाओ आंदोलन कार्यकर्ताओं इस दौरान अधिकारियों ने ग्रामवासियों को बताया कि नर्मदा नदी में सतत जल स्तर बढ़ रहा है, इसीलिए वे समय रहते डूब क्षेत्र के बाहर बने हुए अपने घरों में या NVDA द्वारा बनाए गए अस्थायी टीन शेडों में चले जाएं। इन ग्रामों के निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने मौके पर उपस्थित NVDA के पदाधिकारियों से भी डूब प्रभावितों के पुनर्वास संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए की गई व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक निर्देश भी दिए गए। इस दौरान उन्होंने डूब प्रभावितों के लिए बनाए गए पुनर्वास स्थलों एवं अस्थायी टीन शेडों में उपलब्ध सुविधाओं की भी जानकारी से ग्रामवासियों को अवगत कराया। कमिश्नर को नर्मदा बचाओ आंदोलन कार्यकर्ताओं व डूब प्रभावितों ने उन्हें घेर लिया। नर्मदा बचाओ आंदोलन नेत्री मेधा पाटकर ने कमिश्नर से कहा कि बिना पुनर्वास डूब क्यों आ रही है। इस पर कमिश्नर ने कहा कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, सरकार का काम है। हमें जल स्तर बढ़ने पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है, जिसके लिए आज यहां मुआयना कर जानकारी प्राप्त की है। जल स्तर बढ़ने पर जान मान का नुकसान नहीं हो, यही हमारा प्रयास है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। कितनी दुकानें हैं राजघाट में और कितने मंदिर हैं राजघाट, इन सबका भी पुनर्वास नहीं हुआ। केवल भगवान अल्लाह की बात नहीं, जिंदा इंसानों की बात है। तो सरदार सरोवर में और हमारी खबर ऐसी है कि बांध के गेट से रिसन हुआ हो रहा है और इससे गेट्स का चेकिंग और टेस्टिंग गुजरात को अहम लग रहा है और वो उसके लिए पानी भरने की मांग कर रहे हैं, जबकि ये जंग पकड़े हुए गेट्स जो जल्दीबाजी में मोदी शासन ने और रूपाणी शासन ने लगा दिए 2017 में, उस समय ये मुद्दा उठा था कि इस गेट्स का पहले टेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि वो बरसों से बंद कर जंग पकड़े हुए गेट्स इन्होंने बिना टेस्टिंग के खड़े करके लगा दिए। तो डाउन स्ट्रीम के लोग, नीचे वास के लोग भी चिल्ला रहे कि अगर गेट्स टूटेंगे तो उनका क्या होगा, और ये उत्तराखंड के जैसे त्रासदी की संभावना और चेतावनी वो दे रहे हैं, हम नहीं गुजरात के खुद लोग। तो ऐसी स्थिति में ऊपर के लोगों का त्याग भी किस लिए, न बिजली मिल रही है, न पानी पर अधिकार है, न पुनर्वास का पूरा अधिकार मिला है। तो विकास लाने वाला पुनर्वास अगर हर परिवार को मिलेगा तो वो हम करने को तैयार है, लेकिन उसके बिना हजारों पेड़ वो डुबाए, हजारों मवेशी जिनके लिए चरागाह नहीं, दुकानदारों को प्लॉट नहीं, मंदिर मस्जिदें सब बैठाने की बात नहीं है, केवल घरों के अंदर जो बाल बच्चे हैं उनकी स्कूलें अभी चालू करवाने के लिए इतना जंग छेड़नी पड़ी। तो जो संवादशील सरकार अभी सत्ता में आई है उनके संवाद का स्वागत करते हुए हम लोगों को संघर्ष में क्यों उतरना पड़ा है इसकी स्पष्टता होनी चाहिए, क्योंकि आज भी सूचियां परिपूर्ण नहीं है, आज भी हमारे 30 आवेदनों के आधार पर नीतिगत निर्णय नहीं हुए, आज भी हर परिवार का पुनर्वास नहीं हुआ है, हर पुनर्वास स्थल पर संपूर्ण सुविधाएं नहीं है, आज भी जो कोर्ट में बिना कारण केसेस पेंडिंग है वो इस सरकार ने पीछे लेनी चाहिए। हमारे ऊपर क्या झूठे अपराधी प्रकरण भले चालू रहे पर विस्थापितों के मुद्दों पर जो केसेस बिना कारण प्रलंबित है उसको वापस लेने से कार्य आगे बढ़ सकता है, ये सब नहीं हुआ है तो फिर हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं केवल संवाद करते हुए, नहीं हमको संघर्ष भी करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। सरदार सरोवर में एकदम से बढ़ा है और उसमें मेन कारण ये रहा है कि बरसात जो उसके कैचमेंट में हुई है उसके कारण वो लेवल बढ़ रहा है। उसमें हम लोग ये अलग अलग लेवल पे हमको पता है कि कौन कौन से ग्राम उसमें डूबने आते हैं। हमारा एक सबसे प्रथम कर्तव्य ये है कि हम जान माल की सुरक्षा उसमें करें, किसी प्रकार का कोई जान माल का नुकसान ना हो इसमें। यहाँ नर्मदा बचाओ के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी डिटेल में चर्चा हुई है, उन्होंने भी अपनी कई समस्याएं बताई हैं, कई वाजिब प्रश्न भी उन्होंने बताए हैं।